जिले के हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तेनुआ में बारिश का पानी छत से गिरने को लेकर हुए विवाद में सगे पट्टीदार द्वारा एक बुजुर्ग महिला व एक 21 माह के बच्चे को फावड़े से मारकर हत्या के आरोप में चार अभियुक्तों को पुलिस ने आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सीताराम शुक्ला पुत्र स्वर्गीय देव नारायण शुक्ला, अंगद शुक्ला पुत्र देव नारायण शुक्ला, उर्मिला पत्नी देव नारायण तथा संगीता पत्नी अंगद निवासी तेनुआ थाना हरपुर बुधट शामिल है। आपको बता दें कि हरपुर बुधट थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव में मंगलवार की देर रात जल निकासी को लेकर सगे पट्टीदार ने कुल्हाड़ी से एक बुजुर्ग महिला और उसके 21 माह के नाती की हत्या कर दी। घटना को संज्ञान में लेते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने टीम गठित कर मात्र 24 घंटे के भीतर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसके संबंध में SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि अभी अभियुक्तों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह और SSP दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, कल दिनांक 27/7/2021 को थाना हरपुर बुधहट के गांव तेनुआ में एक बुजुर्ग महिला और उसके नन्हे से पौत्र की हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में श्री परशुराम की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुआ और इस FIR में नामित चार अभियुक्तों मुख्य आरोपी सीताराम की माँ, उसका भाई अंगद तथा अंगद की पत्नी, इनकी गिरफ्तारी हरपुर बुधर पुलिस द्वारा कर ली गई है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही अतिशीघ्र पूरा करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला एवं 21 महीने के बालक को सगे पट्टीदार सीताराम इनके एवं उनके परिवार द्वारा फावड़े से मार के हत्या करना एवं उनके जो घर के महिला एवं एक बच्ची को घायल करने के संबंध में कल एक मुकदमा हरपुर बुधहट में लिखा गया है, जिसमें सीताराम एवं उनके परिवार के कुल 5 लोग नामजद किए गए हैं। हरपुर बुधहट पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते 5 को गिरफ्तार कर लिया है। जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम है तो भेजा गया है, पोस्टमार्टम के लिए इंतजार हो रही है, इनकी लिखापढ़ी जारी है और NSA के तहत कार्रवाई करने है तो मेरे तरफ से पूरा निर्देश दे दिया गया है। आगे के सुरक्षार्थ है तो वहाँ पे फोर्स भी तैनात कर लिया गया है, साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो सीताराम के घर के छत के बारिश का पानी परशुराम के घर के सामने गिरता था नाली, उसको लेके विवाद था कि इसी शिकायत को लेके इन लोगों के आपस में मनमुटाव था, इसी को लेके सीताराम के द्वारा ये जो गंभीर हरकत किया गया, ये जो हत्याएं की गई है, ये उसी नाली के विवाद को लेके की गई है।